नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। समस्तीपुर जिले के पूसा प्रखंड के कुबोली राम पंचायत के अंतर्गत मिल्की टोला में अखिल भारतीय किसान महासभा के झंडे बैनर तले तिरहुत गंडक नहर परियोजना मोतीपुर कैंप मुजफ्फरपुर के द्वारा किसानों के जमीन पर जबरन नहर खोदने व किसानों को धमकी देने के खिलाफ अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना सोमवार को लगातार 11वें दिन भी जारी रहा। मौके पर किसान नेता राधेश्याम झा की अध्यक्षता में धरना स्थल पर सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य सह इनोस जिला अध्यक्ष राम कुमार, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य सह खेग्रामस जिला अध्यक्ष उपेंद्र राय, खेग्रामस प्रखंड अध्यक्ष मुंशीलाल राय, इनोस प्रखंड सचिव कृष्ण कुमार, दिनेश कुमार सिंह, वासुदेव सिंह, दुल्लर देवी, जगदीश सिंह, रामललित सिंह, शिवशंकर सिंह, सीता देवी, गौरी शंकर सिंह, राम गणेश महतो, भोला कुमार, राम उद्गार सिंह, राम प्रताप सिंह, मुकेश कुमार, रामनाथ सिंह, उमेश गुप्ता, पिंटू कुमार सिंह, दशरथ शाह, दिलीप कुमार, ओम प्रकाश झा, जगदीश राम समेत अन्य कई नेता एवं कार्यकर्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि किसानों का लगातार 11वें दिन अनिश्चितकालीन धरना जारी है, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक वार्ता नहीं किया जा रहा है। ऊषा सीईओ जल्द से जल्द आंदोलनकारी से सहानुभूतिपूर्वक वार्ता करें, अन्यथा 18 अप्रैल को पूसा सीईओ का घेराव होगा।